रिजर्व ब्यांकर आर्थिक नीति निर्धारण कमिटी सर्वसम्मतिक्रमे सुधहार में कौन परिवर्तन करना रेपो रेट 4% एवं रिवर्स रेपो रेट 3.35% अपरिवर्तित रही 2021-2022 आर्थिक वर्ष अभिवृद्धि हार 9.5% एवं मुद्रास्फीति हार 5.3% निर्धारण कर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास नुआ मुद्रा नीति घोषणा करिछंती। से कहिछंती जे अभिवृद्धि हार रे सुधार एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण पई सुधार अपरिवर्तित रखा जाइछे। लगातार नवम थर पई सुधार अपरिवर्तित रखिछंती भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक आर्थिक नीति निर्धारण कमिटी कोरोना भाइरस ओमिक्रॉन को नजर रे रखी सुधहार रे कोनोसी परिवर्तन करिनाहंती। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास नुआ मुद्रा नीति घोषणा करिछंती। रिजर्व बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेपो रेट 4% अपरिवर्तित रहिथिबा बेले रिवर्स रेपो रेट 3.35% अपरिवर्तित रहिछि। सेहिभली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF को 4.25% अपरिवर्तित रखा जाइछि। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी सदस्यों सर्वसम्मति रे एही निष्पत्ति निया जायथिबा रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास सूचना देछंती। बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड आउटलुक द एमपीसी वोटेड यूनानिमसली टू मेंटेन द स्टेटस को विथ रिगार्ड टू द पॉलिसी रेपो रेट एंड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 5:1 टू रिटेन द अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड्स। कॉन्सिक्वेंटली the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. 2021-22 आर्थिक वर्ष पई जीडीपी अभिवृद्धि हार 9.5% हेब बोली आकलन करिछंती रिजर्व बैंक। एथिरे रहिछि तृतीय क्वार्टर पई 6.6% एवं चतुर्थ क्वार्टर पई 6% आकलन। सेहिभली 2022-23 रे प्रथम क्वार्टर पई प्रकृत अभिवृद्धि हार 17.2% एवं द्वितीय क्वार्टर पई 7.8% आकलन करा जायछि। कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स द प्रोजेक्शन फॉर रियल जीडीपी ग्रोथ इज रिटेन्ड एट 9.5% इन 21-22 कंसिस्टिंग ऑफ 6.6% इन Q3 एंड 6% इन Q4 ऑफ 21-22. Real GDP growth is projected at 17.2% for Q1-22-23 and at 7.8% for Q2-22-23. Reserve Bank 2021-22 आर्थिक वर्ष पई मुद्रास्फीति 5.3% आकलन करिछंती। तृतीय क्वार्टर रे 5.1% एवं चतुर्थ क्वार्टर रे 5.7% मुद्रास्फीति आकलन करा जायछि। शक्तिकांत दास कहिछंती जे मौसुमी वर्षा जोगू पनीपरिबा फसल प्रभावित होईछि। एथि जोगू आलू एवं प्याज समेत सबुज पनीपरिबा दर वृद्धि पाइथिबारु मुद्रास्फीति हार अधिक रहिछि। तेबे शीतदिनिया पनीपरिबा बजार को आसिले धीरे धीरे दर ह्रास पाइब। सेहिभली 2020 जून परठारु तैल एवं खाद्य सामग्री मूल्य वृद्धि जोगू इनपुट कॉस्ट बढ़िबा सहित एहा खाउटी मुद्रास्फीति को प्रभावित करिछि। The inflation trajectory is therefore likely to be in line with our earlier projections, and price pressures may persist in the immediate term. Vegetable prices are expected to see a seasonal correction with winter arrivals in view of bright prospects for the rabi crop. Supply side interventions by the government have limited the fallout of continuing high international edible crude oil edible oil prices on domestic prices. केंद्र सरकार पेट्रोल एवं डीजल उपर उत्पाद शुल्क एवं भाट ह्रास करबा परे कंजम्पशन डिमांड बा व्यवहार चाहिदा एवं खाउटिंग को क्रय क्षमता वृद्धि पाइछि। सरकारी व्यवहार चाहिदा मध्य गत अगस्त मासरु वृद्धि पाइथिबा शक्तिकांत दास कहिछंती। The recent reductions in excise duty and state VAT on petrol and diesel should support consumption demand by increasing purchasing power. Government consumption is also picking up from August, providing support
to aggregate demand. Enabling conditions for revival of investment activity are also falling into place. In this context, the reduction of excise duty and VAT on petrol and diesel will bring about a durable reduction in inflation by way of direct effects as well as indirect effects operating through fuel and transportation costs. GDP वृद्धि एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण लक्ष्य रे रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी सुधहार अपरिवर्तित रखिबा पई निष्पत्ति नेछंती 2020 मे 22 तारीख रे शेषथरो पई सुधहार परिवर्तन करथिले आरबीआई ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18